गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज बनाया जा रहा है बर्गर और पिज्जा, और उसके लिए हाँ बर्गर स्पेशल बर्गर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और उसके लिए ये तैयार हो रही है टिक्की। तो इसमें क्या क्या है, मतलब टिक्की के मसाले में क्या क्या डाला है आपने? इसमें मैंने मेरे स्पेशली एक तो ये चटनी डाली है, और ये लहसुन की और लाल मिर्च की, लाल मिर्च और लहसुन की स्पेशल कुंडी में बनाई हुई। कलर ही कितना शानदार है इसका, और बनाई हुई थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अरारोट और नमक और हल्की सी मिर्च और ये चटनी डाली है, अलग ही लहसुन का टेस्ट आई। और अभी हमारी टिक्कियां तैयार हो रही है। अच्छा, ये बर्गर में डालने के लिए टिक्कियां रेडी हो रही है, ठीक है। इन्होंने भी हेल्थी है, इन्होंने सारी वेजिटेबल, हमने जो वेजिटेबल वगैरह है, कैप्सिकम, अनियन, और ये जो खीरा वगैरह होता है, कुकुम्बर और टमाटर वगैरह और कैबेज वगैरह, इसको काट लिया है। तो दो पीस हमारे पिज्जा के भी लाए हुए हैं, और ये अभी इसमें हम पनीर भी लाए हैं। हाँ, दो पिज्जा और ये इतने सारे बर्गर, क्योंकि घर में खाने वाले भोजन है, आठ बर्गर है। पनीर हो गया, चीज हो गया। हाँ, चीज कहाँ है? ये चीज इसके अंदर डलेगा, ये पास्ता पिज्जा, और एक और है ना अपने पास सॉस। कौन सी है वो? तंदूरी सॉस, तंदूरी मेयोनीज। हाँ, तंदूरी सॉस या तंदूरी मेयोनीज कह लो। हाँ, वो है, और खुशबू इतनी मस्त आ रही है ना अभी। अभी तो बस ये टिक्कियां वगैरह तैयार हो जाए, बाद में ये बर्गर वगैरह कंप्लीट रेडी करेंगे। तो मतलब जो भी है कुकिंग करने वाला प्रोसेस अभी कर लेते हैं, उसके बाद जैसे टिक्कियां बर्गर वगैरह वैसे बनाएंगे, बस सेक नहीं है, फिर खाएंगे फटाफट। और पिज्जा वगैरह जो भी बनेगा उसका भी साथ में आपका वीडियो शेयर करेंगे। और एक चीज आपको और दिखाता हूँ, हमारे यहाँ लोकल के अंदर आजकल ये चीज बहुत मशहूर है, ग्वार पेठा। हाँ, पेठा, ओनली पेठा, ग्वार पेठा नहीं होता। अच्छा। ये केसर मिक्स, जैसे इसे आगरे का पेठा कहा जाता है वैसे, और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, जो ये पेठा होता है, कद्दू होता है, इससे ये तैयार होता है, और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पेठा है। आपके वहाँ क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसकी वैरायटियां बहुत आती है, अंगूरी पेठा और केसर पेठा। अंगूरी पेठा तो अपने पहले अंगूरी पेठा खाए हुए, केसर टाइप का बिल्कुल बारीक होता है, जेली टाइप होता है वो पेठा। और ये चटनी मैंने स्पेशल कुंडी के अंदर बनाई है, ये तो शानदार लग रही है, इसकी रेसिपी बतानी थी। चलो कोई नहीं, बस भिगो दी थी, पूरे दिन भिगोई हुई थी, लाल मिर्च साबुत, और उसके बाद मैंने अभी और लहसुन, मतलब लहसुन छीन के रखा था, और कुंडी के अंदर खूब सारा, ये रहा कुंडी हमारी, और इसका मतलब जो डंडा घोटा बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, वो पीछे धो के रख दिया मैंने। जो इसका टेस्ट है ना चटनी का, ऑल द बेस्ट है, वो मिक्सी ब्लेंडर वगैरह इन चीजों से नहीं आता। हाँ, जो हाथ की बनी हुई चीज है, और मतलब ये इस कंडीशन में भी इन्होंने ये चटनी बनाई है, मेहनत लगती है। बाकी मेरे पापा तो और भी इतनी मस्त, मतलब एकदम चिकनी कर देते हैं चटनी को, मेरे से उतनी हुई नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है। मस्त है ये बर्गर वगैरह में, पिज्जा हाँ, के ऊपर, पिज्जा बेस के ऊपर लगाने में यूज करेंगे, काम आती है। तो देखते हैं गोल्डन कलर आया है क्या नहीं, पहले ये वाली चेक करते हैं। इसमें ये टिक्कियां तैयार हो जाए, बाकी का वीडियो जो पूरा कंप्लीट बर्गर बनाने का, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। पतले पतले कर लिएगा स्लाइस के। टोमेटो सॉस, ये राउंड के लगाऊंगा तो फिर टोमेटो भी लगेगा। लाल मिया खा लिया टोमेटो। हाँ चलो, ऊपर से डाल लेना। तो बर्गर हमारे बनने शुरू हो चुके हैं गाइस। ये पास्ता पिज्जा सॉस है, ये खट्टा मीठा टेस्ट है, जैसे मोमोज की चटनी होती है ना वैसा, मोमोज की, या फिर वो क्या लेके आते हैं अपने पनीर स्टिक है। हाँ, पनीर स्टिक के अंदर डलती है ना उस तरीके का। तीन टिक्कियां रह गई है, ये अभी तैयार हो रही है, इसके अंदर हमने ओलिव ऑयल का यूज किया है ना। ओलिव ऑयल का यूज किया, जो मतलब हेल्दी होता है, बाजार के खाने से काफी अच्छा होता है। अब डालेंगे टिक्की एंड
ये डाल दी हमने पनीर और एक प्याज का स्लाइस, एक टमाटो, टमाटो ये तो चीजें, एक वो खीरा, खीरा कुकम्बर, इसको ऐसे तो निकल नहीं जाएगा क्या? तो वो नीचे जैसे दबा देंगे ना। अब हम इसको सेकेंगे घी के अंदर, देसी घी में। वैसे बटर में भी कर सकते हैं, हाँ। पर देसी घी का एक अलग ही टेस्ट आएगा। घर का घी है, दूसरा लहसुन की चटनी लगा रहे हो क्या? इनको बच्चों को कल को ना टेस्ट हो। हाँ, इनको ये लगा दे, लोगों तो खाएगा नहीं, मेरे को पता है। डाल दिए, दोनों डाल दिए, ऐसे टेन एक ही डालो खीरे का स्लाइस। पत्ता गोभी हम ऊपर से वैसे डाल देंगे। मिक्स से बना लेते हैं ना, कईयों में पत्ता गोभी, कईयों में कैसे। हाँ। जैसे जैसे मामी जी का ट्रक हुआ प्लेट। अंदर ही कुछ में डाल देते हैं, या इसमें डाल के देख लो। टमाटर नहीं डाला था क्या? ओके जी, हो जाता है कभी कभी। वैसे कई लोग इसको फ्राई भी कर लेते हैं बर्गर को, लेकिन हम बिना फ्राई वाला, उतना वो ऑयली सा हो जाता है, इसका काम नहीं होता है। हमारी स्लैब छोटी है, ये बर्गर बन हमारा तैयार है। आशु मैं देखा, मैं देखे चलो फिर एक दिया। नहीं दोनों साथ में देते हैं ना, सॉस निकाल लूँ क्या? हाँ। चाट मसाला कहाँ है? वही पड़ा हुआ। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालना। एक लेमन लाओ ना, पत्ता गोभी थोड़ा लेमन सा कर देते हैं। ये लो। सारे में तो मिक्स नहीं, क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला वगैरह इस पे भी डाल दो। चाट मसाला को भी डाल दो, थोड़ा ब्लैक साल्ट, हमारे होममेड बर्गर तैयार। इसमें थोड़ा सॉस डालो,
सॉस का पाउच मंगवाना पड़ेगा क्या? काफी है इतना इन्हें डालो बड़ा पड़े इसके अंदर ही कर दो या सॉस उसके ऐसे डाल दो यार इसके अंदर डाल दो ना वैसे ले जाओ ना जैसे अगर वैसे खाएंगे तो वैसे डाल लेंगे एक आसू ये लो बैग हटाओ छोड़ो ओ प्रतीक ए कॉपी वगैरह इकट्ठी करके रख चिकनाहट लग जाएगी तो खा लो पहले फिर बना ये कर लेना उम्र सॉस ले लेना है जरूरत के हिसाब से चलो खा के बताओ कैसा है सॉस डाल लो साइड में डाल दूँ बस कैसा है मस्त है क्या बढ़िया है एकदम मुंडा बारी चिकन लोका चाट मसाला सही है टिक्की होगी फ्राई कोई भी चीज आप धीमी आंच पे पकाते हो वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो खत्म नहीं होता उसके अंदर हमारा लास्ट स्टॉक है इसका इतना ही बर्गर है और दो पिज्जा बेस है हाँ सारी लगाओ ये वाली मत लगाना एक में लगा देना एक में वैसे करेंगे चेक स्लाइस डाला था क्या नहीं डाला चलो कोई नहीं बिना एक बार खिला दिया ये हमारे दुकान पे जो लड़का रहता है उसके लिए तैयार कर रहे हैं ये एक एक उनको दे देंगे ये लास्ट में थोड़ा सा ये खा लें फिर उसके बाद में ना पिज्जा नहीं ये तो अभी भिजवा दें आंसू बैठ जाएगा नीचे एक बार बाकी कुछ भी बनाते हैं अपने लेडीज के बर्तन तो काफी होते हैं आपको पता ही है इसको सीधा करो
नहीं लेना और। खाओ तो एक एक और तो खाओ। पत्ता गोभी और है ना? है देव। पत्ता। खा ले खा ले। तो चार लेटर हमारे लिए। अरे मैं खा लेटर और खा ले आओ। लेऊंगे मैं? ना ना एक बारी दे। अब ये हमारा लास्ट बर्गर है। ये दो बर्गर और ये तीन बर्गर हमारे हैं। उसके बाद में पिज्जा की तैयारी करेंगे। सैलेड आप क्यों वेस्ट करें, खा लेंगे। सैलेड खाना भी चाहिए, अच्छा रहता है। वेट इज ओवर, अब हम खाएंगे। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। बर्गर का बड़ा मुंह उठाना पड़ेगा। कैसा है? मस्त है, बढ़िया है क्या? चलो मैं भी खा लेता हूँ, फिर पिज्जा की तैयारी करते हैं। तो बर्गर वगैरह हम खा के फ्री हो चुके हैं, काफ़ी देर हो गई और पिज्जा हमने नहीं बनाया क्योंकि सोच रहे थे कि ऊपर जाएंगे अभी 9 बजे या तब बना लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल भूख नहीं है क्योंकि अभी दूध भी पीना है और दूध मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी नहीं बनाएंगे पिज्ज़ा, उस बर्गर का ही वीडियो कल पिज्ज़ा का देखते हैं। या तो सुबह इनको नाश्ते में मतलब वैसे बना दूँगी टिफिन वगैरह में डालने के लिए, या फिर कल शाम को ही बनाएंगे। और सुबह देसी चीज़ भी आपको राबड़ी पिलाएंगे, मतलब दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं देसी स्टाइल में, बहुत टेस्टी बनती है लस्सी की राबड़ी वो भी। और अभी फिर पिज्ज़ा कैंसिल हो गया, बर्गर हमने टेस्टी सा खा लिया, पेट हमारा फुल है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में जरूर बताना कि हमने क्या गलती, मतलब बर्गर में कोई चीज़ रह गई हो आपने कभी बनाया हो तो हमें ज़रूर बताना, तो हम अगली बार से थोड़ा और उसको तैयार करेंगे, खाएंगे। बाकी बहुत अच्छे बने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।